तो बड़ी पेशेंस के साथ मैंने ये 7 P's की लिस्ट फिनिश करने की ठानी है. एंड यू गेस्ट इट राइट, इन द हैशटैग एक नई शुरुआत सीरीज में जो 6th P है, दैट इज फॉर पेशेंस. हैव पेशेंस. यू सी, इफ यू एवर ट्राइड गार्डनिंग, जो मैं हर यंगस्टर को सजेस्ट करता हूँ, वो गार्डनिंग ज़रूर ट्राई करें. कुछ प्लांट्स ही रखें यार अपने घर में, अपने रूम में. अगर प्रॉपर फुल फ्लैश गार्डनिंग नहीं, वो ट्रेडिशनल वर्शन नहीं गार्डनिंग का, जहाँ आप चेयर पर बैठते हैं, माली आके पानी देता है, वो गार्डनिंग नहीं. कुछ खुद लगाएं, नर्सरी से एक छोटा पौधा लेकर आएँ, सीड लेकर आएँ, उसको उसकी ग्रोथ को देखें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो आपके बड़ा अहम लाइफ लेसन मिलने वाला है, दैट इज़ पेशेंस. अपनी खुद एग्जांपल शेयर करता हूँ. हम ऑफिस स्पेस एक पार्ट था जो रीडेकोरेट कर रहे थे, और वहाँ हमें कुछ नेचुरल प्लांट्स लगाने थे. तो मैं बार बार ये कह रहा था यार, आई वुड वांट द प्लांट्स टू बी दिस बिग. फिर माइंड में मेरे एकदम से थॉट आया, द यूनिवर्स डजंट केयर अबाउट योर वांट्स. सृष्टि इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि आपको इस समय क्या चाहिए. द यूनिवर्स वर्क्स ऑन इट्स ओन टाइम टेबल. सृष्टि, कायनात अपने खुद के टाइम टेबल पर चलती है. सो हैव पेशेंस एंड लेट थिंग्स फ्लो. अंडरस्टैंड दैट ये जो डिवाइन टाइमिंग है, जो आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट्स आपके हाथ में हमेशा रहती हैं, और बट उसकी टाइमिंग आपके हाथ में नहीं रहती. एक बड़ी पुरानी कहावत है एक ग्रीक थिंकर की, जिन्होंने लिखा कि गुड लक इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटीज़. अब प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी की इक्वेशन में अपॉर्चुनिटीज़ कब आपको मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, ये आपके हाथ में नहीं है. प्रेपरेशन कब और कैसे और कितनी आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है. एंड इन ग्रीक थिंकर ने डिस्क्राइब किया है, जब प्रेपरेशन का अपॉर्चुनिटी से संगम होता है, दैट इज़ व्हाट प्रिसाइसली व्हाट गुड लक इज़. बट हियर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, लॉट ऑफ पीपल से मुझे पहले अपॉर्चुनिटी मिलने दो, फिर मैं प्रेपरेशन करूँगा. जबकि हकीकत ये है, विनर्स वो होते हैं जीवन में, अपने लाइफ के फुल पोटेंशियल को वो लोग यूज़ कर पाते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ होने ना होने के बावजूद भी प्रेपरेशन करते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी आके उनका दरवाज़ा खटखटाती है तो वो रेडी होते हैं, दे आर फुली प्रिपेयर्ड. और दूसरे लोग जिन्होंने कभी प्रेपरेशन के बारे में बॉदर ही नहीं किया, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आती हैं बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, और उनको बाईपास करके किसी ऐसे शख्स को ढूंढती हैं जो प्रिपेयर्ड है. सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पेशेंस, दैट द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट योर टाइमिंग. अगर आप किसी सीड को ग्रो होता हुआ उसका टाइम लैप्स वीडियो देखें, तो आपको लाइफ का इतना अहम लेसन मिलने वाला है कि कैसे पहले उसकी रूट्स डिवेलप होती हैं. सीड की ग्रोथ एकदम से अपवर्ड्स नहीं होती, पहले सीड की ग्रोथ आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स होती है, उसकी रूट्स डिवेलप होती हैं, उसकी शेल क्रैक होती है, देन फिर वो स्प्राउट करके जो अंकुर है वो बाहर आना शुरू होता है. एंड दैट इज़ द प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम. यू कैनॉट रश थिंग्स. वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. यही है ना, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा. सो वक्त से पहले आपके टाइम टेबल पे कुछ होने वाला नहीं है. थिंग्स विल हैपन एट देयर ओन टाइमिंग विच द यूनिवर्स नोज बेस्ट. व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू कैन डू, इज एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग. एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग. मैं फिर इस लिस्ट पर आ रहा हूँ जिसमें पैशन नहीं है. वन ऑफ माई 7 P's में पैशन नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है जब पर्पज़ हो, जब प्रोसेस हो, जब इन्जॉयमेंट हो, वेन यू इन्जॉय, जब रिजल्ट से ज़्यादा आप प्रोसेस को इन्जॉय कर रहे हैं पेशेंस के साथ, ऑटोमेटिकली ब्रिलियंस इज गोइंग टू टेक बर्थ, ऑटोमेटिकली एक्सलेंस इज गोइंग टू टेक बर्थ. पैशन से शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी आती है, जोश से एकदम एक दो तीन चार घंटे, एक दो दिन तीन दिन का जो है एकदम से हाई क्रिएटिविटी पीरियड आता है, उसके बाद वो नीचे भी चला जाता है. पर जहाँ पैशन की जगह पर जहाँ पर्पस है, जहाँ परसिस्टेंस है, जहाँ प्रोसेस है और जहाँ पेशेंस है, वहाँ मैजिकल रिजल्ट्स अपीयर होते हैं. और ये चीज़ मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, दैट यू मस्ट ऑल इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग. दोस्तों, अगर आपको 3 Idiots मूवी का वो सीन याद है जहाँ डॉक्टर वीरू सहस्त्र बुद्धे उर्फ वायरस वो कोयल बर्ड का नेस्ट लेकर फ्रेशर्स को जाके ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दे रहे हैं कि कोयल बर्ड अपना नेस्ट नहीं बनाती है, ये दूसरों के नेस्ट में जाके इसके बच्चे उनके जो अंडे हैं वो फेंक कर अपनी जगह बनाते हैं. देयर लाइफ बिगिंस विद मर्डर, दैट सेज मिस्टर वायरस. देन लाइफ इज अ रेस, दैट इज इज मोटिवेशनल टॉक टू द फ्रेशर्स.
Dr. Shastra Bode, Mr. Virus, you are wrong. Life is not a race. Life is not a competition. ये सबसे dangerous conditioning हमारी school time से होती है, college time पर और corporate world में भी जाती है, that life is a race. यानी मेरे आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी और को गिराना लाजमी है. मेरे आगे बढ़ने के लिए, मेरे grow करने के लिए मुझे किसी और को destroy करना लाजमी है. Friends, your journey is not about defeating someone else. ये सबसे बड़ा भ्रम है. आपकी जीवन की यात्रा, बिकॉज यू मस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, आपकी रेस किसी और को डिफीट करना नहीं है. आपकी रेस अपनी चुनी गए रास्ते पर नंबर वन आना है. पहला ये हौसला रखना कि आपका रास्ता अगर दूसरों से अलग है तो भी आप उस रास्ते को चुनें और उस पर चलें. और दूसरा, आपका मुकाबला खुद से है. टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. किसी को और डिफीट करके आप क्या साबित करेंगे, इसमें कितना स्ट्रेस है, तो ये आइडियोलॉजी, इसको मैं बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करता. जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, पीपल हु आर लिविंग देयर लाइव्स विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दे आर द वंस हु आर कंपीटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स. एक पुराना अफ्रीकन प्रोवर्ब है जिसे कुछ ऐसे कहा जाता है, व्हेन ऑल द इंटरनल एनिमीज आर डिफीटेड द एनिमी आउटसाइड यू कैन डू नो हार्म. जब आप सब अंदरूनी इंटरनल एनिमीज को डिफीट कर देंगे तो बाहर के एनिमी का कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा. एंड द सेम अप्लाइज टू योर जर्नी. और जहां तक सवाल आता है इम्प्रूवमेंट का, मुझे ये स्टोरी माइंड में आती है माइकल एंजलो की. जब माइकल एंजलो को कमीशन किया गया स्टैचू ऑफ डेविड बनाने के लिए, तो उनको जो सबसे बड़ा ग्रेनाइट का ब्लॉक उस समय मिला, तो जो सिसिली के मेयर थे उन्होंने बोला कि माइकल एंजलो ही एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इससे बड़ा अच्छा स्टैचू बना सकते हैं. 2 साल लगे माइकल एंजलो को कार्विंग करते हुए. तो माइकल एंजलो जब भी अपनी मास्टरपीस लेकर दुनिया के सामने आए, तो बाद में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने सबसे पहले ही जब ये ग्रेनाइट का स्लैब देखा था, ये पत्थर देखा था, तो मुझे अपना मास्टरपीस इसमें छुपा हुआ उसी समय नज़र आ गया था. अगले 2 साल मैंने सिर्फ गुजारे हैं वो बाकी सब एक्स्ट्रा चीज़ें हटाते हुए, एक्स्ट्रा जो था वहाँ से उसको तराश कर बीच में से मेरा ये मास्टरपीस निकला. पर मास्टरपीस मुझे अपना शुरू से ही नज़र आ गया था, 2 साल लगे मुझे तराशने में. ऐसे ही इंसान की शख्सियत भी, ऐसे ही आपकी स्किल्स भी, कई बार एड ऑन करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती. कई बार खुद में से कुछ रिमूव करना, कुछ चीज़ों को ओवर पावर करके कुछ हैबिट्स को ख़त्म करना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट रहती हैं. एंड दिस इज़ वेयर योर एबिलिटी टू ओवरकम योर ओन इंटरनल एनिमीज एंड डिफीट योर ओन इंटरनल एनिमीज. सो जैसे वायरस ने कहा 3 इडियट्स में, लाइफ इज़ अ रेस अगेंस्ट समवन एल्स, आई एम सेइंग लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी विच यू आर मेंट टू इंजॉय, टू सर्व, टू कॉन्ट्रीब्यूट, टू लाफ. एंड आपके आगे बढ़ने के लिए किसी और को पीछे छोड़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी रेस जो है वो खुद से है, खुद से होनी चाहिए. आपकी दुश्मनी किसी और से नहीं है, आपकी दुश्मनी जो खुद आपके अंदर जो शैतान के जो एलिमेंट्स है. जैसे बुल्ले शाह जी ने बखूबी लिखा कि पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबा कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं, जा वड़दा मंदर मसीती, कदी मन अपने नू पढ़िया नहीं. Right. So the ability is to identify what is all in, do an internal SWOT analysis, do an analysis of your strengths and your weaknesses and the mistakes you made in your past, और उनसे सीखें. और यही जो पेशेंस इसमें सबसे ज़्यादा चाहिए होगी, बिकॉज ये मैं एक और स्लोगन आपको दे रहा हूँ, गुड थिंग्स टेक टाइम. प्लीज़ रिमेंबर, गुड थिंग्स टेक टाइम. चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, डिज़ाइनिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, काम अगर अच्छा होना है तो उसे समय लगता है. राइट. और इसीलिए अपने जीवन से भी अगर आपने कुछ अच्छा बनाना है, उसमें टाइम लगेगा, उसमें पेशेंस लगेगी. हैव पेशेंस. ये पेशेंस एक ऐसा वर्च्यू है जो कितने लोगों को जो कामयाब होते हैं और जो कामयाब नहीं हो पाते उनको डिफ्रेंशिएट करता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जस्ट गेट इरिटेटेड एंड गेट फेड अप वेरी सून. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर. साइकोलॉजी का एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था आज से काफ़ी साल पहले. छोटे बच्चों को जो मार्शमेलोस का जार दे दिया गया और वहाँ कैमरा लगे हुए थे उस रूम में, और जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने बच्चों को 2 ऑप्शंस दी. बेटा, अगर तो अभी आपको एक मार्शमेलो खानी है तो आपको केवल एक ही मिलेगी पर पर्सन, पर मेरे को 1 घंटे के लिए बाहर जाना है, मैं जब वापस आऊँगा जो बच्चा तब तक मार्शमेलो नहीं खाएगा, टच नहीं करेगा, उसे एक नहीं, एक की जगह 2 मार्शमेलोस मिलेंगी.
अब इसके बारे में YouTube पर भी देखें, द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर है कि आप अपनी इम्पल्सिस है जो आप करना चाहते हैं, एकदम से आपके सामने चीज़ पड़ी हो उसे पकड़ने को, वो जो इम्पल्स है अगर उसको रोक सकते हैं, दैट इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल गिफ्ट, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। इस जो एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वाले बच्चों के ऊपर काफ़ी साल उन साइकोलॉजिस्ट ने फॉलो किया और ये पाया, जो बच्चे वेट नहीं कर पाए उसी समय पकड़ के उन्होंने एक मार्शमेलो खा ली, और दूसरी कैटेगरी थी जो बच्चे जिन्होंने सोचा नहीं, जब अगर मैं आधा घंटा एक घंटा वेट कर लूँगा मुझे एक की जगह दो मिलेंगे। ये जो लोग जो अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पाए, जो अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल कर पाए, इनकी कामयाबी और दूसरे बच्चों की कामयाबी में काफ़ी अंतर था। सो एक्सपेरिमेंट के अलावा मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन में भी मैं ये चीज़ मानता हूँ, इफ़ यू कैन डिले ग्रेटिफिकेशन, अगर आप अपने जो इम्पल्सिस को कंट्रोल करके चैनलाइज करके पेशेंस के साथ किसी भी डायरेक्शन में लगे रहेंगे, तो जो सब्र का फल है, इस सब्र का फल वो बहुत बहुत मीठा होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।